हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक कोच में। मैं मोहम्मद यूसुफ आज आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने आईफोन में एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं। जी हां, आप अपने एप्पल फ़ोन में एंड्रॉयड का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ोन चेंज किए। मतलब आपको कोई एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत नहीं है और आप बस इसी को से ही अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको सफारी में। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सफारी है और इसको ओपन करना है और आपको यहाँ पे एक वेबसाइट डालनी है। वेबसाइट डालनी है www.itest.nz। इसको रन कराना है। रन कराने के बाद ये जो एंड्रॉयड का आप एक्सपीरियंस लेंगे ये सैमसंग की तरफ से होगा। सैमसंग ने ही इसको लॉन्च किया है और आप अपने एप्पल में इसको ले सकते हैं। इसमें लिख कर आ रहा है यू आर जस्ट टू टैप्स अवे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये होम स्क्रीन का पेज आएगा आपको इसको होम स्क्रीन पर ऐड करना है। तो ये जो एरो का साइन आ रहा है दिख रहा है, इस पर टैप कीजिए। यहाँ पर एरो के साइन के नीचे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड टू होम स्क्रीन कर लीजिए। ये जो ऑप्शन आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन करने के बाद बस इसे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम भी कुछ भी डाल सकते हैं, इसका नाम मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, बस ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे ऐड करेंगे आपको होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको इसको बस रन कराना है। जैसे ही आप इसको रन कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो जब ओपन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इस पर लिखा हुआ होगा यू आर अबाउट टू गेट अ लिटिल टेस्ट ऑफ सैमसंग। मतलब सैमसंग की तरफ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। तो iOS को आप चेंज कर सकते हैं। तो बस यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, दोबारा से लिख कर आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद लेट्स गो। जैसे ही आप लेट्स गो करेंगे वैसे ही ये आपका iOS चेंज हो जाएगा एंड्रॉयड फ़ोन्स में। तो एंड्रॉयड फ़ोन में चेंज होने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही एंड्रॉयड की तरह एक्सपीरियंस देगा आपको। आप इसको यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आप कैमरा को ओपन करेंगे उसकी एप्लीकेशन भी होगी। यहाँ पर परमिशन आपको बस यहाँ से परमिशन मांगेगा और अलाउ करना है, आपको ये आ जाएगा। यहाँ से आप अपना फ़ोटो वगैरह कुछ भी क्लिक कर सकते हैं वगैरह। यहाँ पे देखिए चेंज, यहाँ पे मोर वगैरह सेटिंग्स, पूरी उसकी एंड्रॉयड वाली फ़ीचर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो अभी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी मैं बताऊँगा कि कैसे इसको आपको एग्ज़िट करना था। तो बस ये कैमरा का एक्सपीरियंस के बाद आप इसको बैक करके यहाँ होम स्क्रीन पे आ गए हैं। और उसके बाद अगर आपको इसको एग्ज़िट करना है, वापस अपने एप्पल में जाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नोटिफिकेशन जो आया वो भी एंड्रॉयड की तरह आया, ऊपर स्क्रीन पर ओपन हुआ। और अब यहाँ पर आपको वापस iOS में जाने के लिए जो वाइट कलर की जो बॉटम पर आपको पट्टी दिख रही है, बस अपने रिसेंटली ऐप को जैसे देखते हैं एप्पल में वैसे ही आपको जो है यहाँ पर स्वैप अप करना है। स्वैप अप करने के बाद इसे रिसेंटली से क्लोज़ कर दीजिए और जैसे ही आप रिसेंटली से क्लोज़ करेंगे वापस आप अपने iOS पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को बताना कि आप एप्पल में भी एंड्रॉयड का मज़ा ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।